अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, छोटी सी अपडेट देता चलूँ क्योंकि अभी मैं खुद बहुत मुश्किल से निकला हूँ भाई ट्रैफिक से, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ इस वक्त हूँ मैं कॉरिडोर पे, और इधर से जाने की कोशिश करेंगे हम रॉन्ग। बड़ी माजरा जो दोस्त देख रहे हैं मेरे, मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मजबूरी है आज, और चल पड़े लाइन जेरिया की तरफ से निकलने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको आज दिखाऊंगा लाइन जेरिया की कुछ गलियां। मौसम की अपडेट थोड़ी सी देता चलूं कि आज बारिश होने का भाई ज़्यादा इम्कान है, लेकिन इम्कान ही इम्कान होता जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही? बारिश नहीं हो रही है। साइड एरिया की तरफ सुनने में आया बूंदाबांदी हुई है, बैरियर टाउन की तरफ सुनने में आया कि बारिश हो रही है, क्योंकि आपको मैं न्यूज़ देता चलता हूँ, और टीवी के मुताबिक सुनने में आया मैमार में हो रही है, सुरजानी टाउन हो रही है। तो जहाँ जहाँ बारिश हो रही है उन दोस्तों को भाई बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन आप लोगों की तरफ। बारिश हो रही है और कमाल मौसम हो चुका है, और इस वक्त हम लाइन एरिया में दाखिल हो चुके हैं, और साथ ही साथ बताता चलूँ कि वो अनमोल गलियाँ हैं जहाँ लोग आने से कतराते थे, डरते थे। 90s के दौर की बात है, ऑपरेशन चल जा करते थे। और ट्रैफिक जैम यहाँ पे भी होने लगा है, मुहर्रमुल हराम की जो है 9 तारीख, आज 9वां दिन है, और लाइन एरिया की गलियाँ जो है मीडिया पॉइंट की स्क्रीन से आप लोगों के लिए। तकरीबन दुकानें बंद हैं, मुख्तलिफ ये दुकानें हैं एसी। अच्छा, ज़्यादातर कारोबार जो है ना यहाँ पर एसी और कबाड़ का होता है ना। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं आपको कि बहुत पतली पतली कंजेस्टेड गलियाँ हैं। जो मेरे दोस्त यहाँ से गुजरते हैं उन्हें तो यहाँ के हालात पता होंगे, और जो लोग देख रहे हैं तो वो देखते चलेंगे भाई कितनी पतली गलियाँ हैं। ये देखिए, आज गर्मी है, और अगर आज रात तक बारिश नहीं होती है तो फिर कल इससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो भाई एहतियात करिएगा। आज मैं तो घर से लेके निकला था तरबूज का शरबत, ज़्यादा देर उसको मैं सह नहीं सका, वो पी लिया मैंने, और उसके बाद था ठंडा ठंडा पानी, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ सबीलों से मैंने मशरूबात लिए, और काफ़ी मीठे थे, लेकिन ज़्यादा मीठा भी सही नहीं है ना, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा मीठा लेना भी सही नहीं है, तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और लाइन एरिया के ये बहुत कंजेस्टेड घर बने हुए, मतलब पतले पतले घरों को ना एक के ऊपर एक बना दिया गया है, और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों ने ना अपने जानवर पाले हुए हैं, जैसे बकरियाँ, हर थोड़ी सी सेकंड में ना बकरियाँ वगैरह लोगों ने पाली हुई है, गेट के आगे बंधी हुई है। ओहो, सदर का इलाका ये तो बंद हुआ हुआ है पीछे से, इनके बोहरी कम्युनिटी का जो है पीर बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, और कराची में तशरीफ़ फरमा, मुख्तलिफ मकामा से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, शहरों से, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, जैसे इंडिया सर फहरिस्त, इंडिया से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं बोहरा कम्युनिटी के, तो एक साहब हमें जाते हुए देख रहे हैं, और शाम में इनकी मजलिस स्टार्ट होती है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इनकी एक स्पेशल बात है कि जब ये इनका फेस्टिवल होता है या कोई चीज़ होती है, इनके मजहबी त्यौहार होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का खाना मिलेगा आपको पूरे वर्ल्ड में, जिसको 20 अफराद खाते हैं, और एक मखसूस किस्म का थाल होता है, वो मखसूस किस्म का थाल यूज़ करते हैं और 20 अफराद खाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और आर्मी पब्लिक स्कूल, खूबसूरत दीवारें बना दी हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की, और मुख्तलिफ इस पे हमारे जो तारीखी मकामात की वीडियो फोटोज़ हैं, सॉरी वीडियोज़ बोल रहा हूँ, फोटोज़ बना दी है, वीडियो तो मैं खुद बना रहा हूँ, इसमें हमारे लेजेंड्स हैं, अरशद नदीम है, मज़ार कायद है, सदर की मार्केट्स है, और दूसरी तरफ कायद अजम हाउस। क्या ही बात इस गली की, सबसे सुपर गली होती है यही, मतलब सुपर रोड होता है ये, आपको कहीं पे इस तरह का रोड बना बनी मिलेगा, अगर मज़े लेना है तो इस रोड के मज़े लें, और अब
लगा है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई अपडेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त होने लगा है, तो मौसम का मज़ा लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।